सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग बच्चों, और जैसे कि मैंने बोला लास्ट क्लास में मैंने ये डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टू लेंसेज होते हैं। वन लेंस विच इज ऑफ स्मॉलर फोकल लेंथ, दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, इसलिए उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। और उसकी फोकल लेंथ को एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा ये जो एरो बना रखा है ना ओ के साथ, तो बेटा ये है ऑब्जेक्ट। तो मान लिया कि एक लाइट रे इस तरह से जा रही है यहाँ से, तो ये लाइट रे गई, इसको दूसरी कलर से बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बेटा ये लाइट रे इस तरह से जा रही है, और दूसरी लाइट रे को मैं ऑप्टिकल सेंटर से भेजता हूँ तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी सीधी जाएगी। और ये जो लाइट रे है बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्श रिफ्रैक्शन कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी और यहाँ पर क्या बनाएगी, इमेज। तो बेटा जी देखिए, फाइनली गंदा सा बना। तो फाइनली क्या होगा, यहाँ से ये लाइट रे जाएगी और इमेज बनाएगी। यहाँ इमेज बन गया, ये मैंने बना दिया इमेज। तो बेटा ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उससे बनने वाला इमेज है। अब क्या होगा बेटा, ये इमेज ना आईपीस, जो आई के पास में रहता है उसको आईपीस बोलते हैं, और उसका जो फोकल लेंथ या फिर हम बोल सकते हैं अपर्चर जो है वो काफी बड़ा होता है कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का लेंस होगा। अब क्या होगा, लाइट रेज, इस ये जो फर्स्ट इमेज बना था ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से एक लाइट रे ऐसे गई और एक ऐसे चली गई। यस एक्सक्यूज मी सर, बेटा जी, सर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है ना? यस बेटा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, या कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। तो यदि आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो तो पीछे जाकर कहीं पर क्या होता है, ये लाइट रेस आपस में मिलती है, ठीक है। या तो मैंने इस तरह से मिला दी, जहां पर ही मिलेगी वहां पर फाइनल इमेज बनेगा ये वाला, ठीक है। और आपकी आई जो है वो यहाँ होगी तो क्या करेगी, इस इमेज को देख पाएगी, ठीक है, क्लियर। ये है फाइनल इमेज। तो इसको मैंने एच नॉट बोल दिया, इसको एच वन बोल दिया और इसको एच टू बोल दिया, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम, क्या आप इस चीज को समझ पाए? यस यस सर, गुड। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस से आप बनाओगे रियल इमेज, और आई पीस से आप बनाओगे वर्चुअल इमेज, है ना। तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस थी ना, ये ऑब्जेक्टिव के पास है, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू लिखते हैं, तो यू इज यू नॉट लिख लेते हैं ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से है। अब नेक्स्ट, यहाँ से इसका इमेज बन रहा है इस जगह, तो इसको वी नॉट बोल दिया। और बेटा दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस को यू ई बोल लेते हैं, तो इसकी इमेज डिस्टेंस को वी ई बोल देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बच्चे लास्ट क्लास में बनाया था वही है, फिर से बनाया है, ठीक है। सो टुडे इज द लास्ट लेक्चर फॉर दिस टॉपिक। इसमें या डाउट फ्रेंड, डिस्कशन करना है सर। हाँ डाउट डिस्कस करना है। टेस्ट कब है बेटा? सर अगले वीक। हाँ कोई बात नहीं, अगले वीक अपन इसके डाउट से डिस्कस करेंगे, आज ही खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। ओके सर, ओके तो बेटा जी इतना तो काफ। ये ऑप्टिक्स के टीडब्ल्यू टीम में ये भी इंक्लूडेड है क्या? हाँ बेटा ये भी आएगा, ओके सर, मेरे ख्याल से आना चाहिए, मैं कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है ना, मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ओके, सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मॉड्यूल में है क्या? मेरे ख्याल से नहीं दे रखा है, नहीं है एडवांस के सर। में नहीं हाँ होता है। हाँ हाँ सर, हाँ हाँ एडवांस के मॉड्यूल में नहीं है, तो हो सकता है ना भी आए, इसलिए मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ठीक है। एनी हाउ ये मॉड्यूल में हो चाहे ना हो, कभी ना कभी तो पढ़ाना ही है, क्योंकि मेन के सिलेबस में तो है ही, है ना। तो हम अभी कर लेते हैं यस इसको, क्योंकि आपने यूएनडी किया हुआ था, राइट, यस सर, तो यस सर, इसीलिए उसकी जगह अपन ये कर रहे हैं, ताकि हमारा समय बच रहा है, टाइम बच रहा है, और हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया डायग्राम? कोई दिक्कत किसी को, बोलिए दोस्तों। नो सर। नो। तो ये सेम डायग्राम अपन ने दो बार बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम के मतलब ये फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, देखो ये वर्चुअल बन रहा है। अब ये बिफोर द ऑब्जेक्टिव बन रहा है, आफ्टर ऑब्जेक्टिव बन रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यस,
कैन यू शेयर द फुल पीडीएफ ऑफ रे ऑप्टिक्स इन व्हाट्सएप ग्रुप? बेटा आप में से जिस किसी ने भी अच्छे से क्लास नोट लिखे हुए हैं बेटा, कैन यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक कैन यू टेक द पिक्स एंड मेक पीडीएफ? यस एनीबडी? ठीक है, आप में से जिस किसी ने भी अच्छे से क्लास नोट्स लिखे हो बेटा, आप क्या करना, नोट्स के पिक्स ले लेना, उसकी पीडीएफ बना के ग्रुप में पोस्ट कर लेना, दैट विल बी बेटर। ओके सो बच्चों ये आ गया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को फाइंड करना है मैग्निफिकेशन, है ना? अपने को क्या फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन, राइट? किसी को कोई यस सर। प्रॉब्लम? गुड, तो अब हम एक काम कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन या फिर मैग्निफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बेटा आप लोगों ने एक चीज तो सीखी थी, आप लोगों ने एक चीज सीखी थी कि यदि टू लेंसेस कॉम्बिनेशन में रखे हों तो उनका उनका मैग्निफिकेशन क्या होता है। यस बेटा, एनीबॉडी? m is equal to m1 into m2 into m3। वेरी गुड, M1, M2, M3 इन सबका मल्टीप्लीकेशन। तो क्या मैं M इज इक्वल्स टू M ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड विद M आईपी ऐसा कर सकता हूँ? किसी को कोई प्रॉब्लम? m objective into M आईपी, 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 ठीक है? हेलो, हाँ जी बेटा, हम लोगों को पता है, वी नो हियर हियर एम नॉट। बेटा ये कैसा इमेज बना रहा है, ये वी नॉट, ये यू नॉट, यानी कि एक रियल इमेज बना रहा है, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एम नॉट एक इज बार इक्वल आप टू। रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, बेटा मैंने यहाँ बोला हमारे पास टू लेंसेज है ना, एक है ऑब्जेक्टिव एक है आईपीस। मान लिया कि ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो एम नॉट है, और आईपीस की वजह से जो मैग्निफिकेशन हो रहा है दैट इज ME, तो इसका मतलब नेट मैग्निफिकेशन हम क्या बोलेंगे, एम नॉट इंटू एम ई। मैंने आपको पढ़ाया था एक बार, राइट, जब हम सर लोग लेंस पढ़ रहे थे। हाँ एच नॉट ऑब्जेक्ट का हाइट है क्या? बेटा, एच नॉट ऑब्जेक्ट का हाइट है, H1 जो है वो फर्स्ट इमेज का हाइट है, और फाइनल जो आपको दिखाई दे रहा है उसका हाइट H2 है, ठीक है? अच्छा तो बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता है, एम इज इक्वल टू वी बाई यू। अच्छा यदि मैं इसकी प्रॉपर वैल्यू रखूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, H1 बाय वी H0। वी नॉट इज पॉजिटिव और यू नॉट इज नेगेटिव, तो यहाँ पर ये इस तरह का आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? नो? यस सर एम नॉट नेगेटिव होगा ना, बेटा, एम एम नॉट नॉट बोल या रहा द हूँ, नेगेटिव, एम कंटेंट में एम, नेगेटिव आ जाएगा। हाँ वही वही बेटा ये आ एम। गया ना नेगेटिव, आ गया ना नेगेटिव। देखो यस सर। M इज इक्वल टू V बाई यू होती है, V की वैल्यू V नॉट और U की वैल्यू माइनस U नॉट, तो यहाँ पर रख ली वैल्यू, तो ये मिल गया हमें। यस सर। Yes, तो ये हमें तो मिल गया क्या? हाँ बेटा बोलो। इसका मतलब एम ही नेगेटिव है ना? हाँ बेटा, मैग्निफिकेशन आपको देखो ये जनरल फॉर्मूला लिखा, M इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है, इसलिए M नॉट इज इक्वल टू आप V नॉट डिवाइड बाय माइनस U नॉट, इस तरह से लिख लो तो ये और भी बेटर है आपके लिए, ठीक है? यस यस सर। या तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, राइट? तो पी नॉट पॉजिटिव एंड यू नॉट नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, मतलब उल्टा इमेज, तो बिल्कुल उल्टा इमेज ही तो बन रहा है ना? अब नेक्स्ट, यहां पर आप एक और काम कर सकते हो बेटा, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। ये एक मिनट, हाँ रुकना, यहां पर लिख लेते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव। अभी यहाँ पर यूजिंग लेंस फॉर्मूला, बेटा लेंस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ओके, हमें एक चीज पता है क्या, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, है ना? क्या मैं उससे v की वैल्यू, v नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? 1/v0 माइनस 1/u0 इज इक्वल टू 1/f0, कैन आई राइट इट लाइक दिस? अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, वी नॉट इज इक्वल टू कितना मिलेगा,
यस एनीबडी, यू एफ नॉट अपॉन एफ नॉट प्लस यू नॉट, यही मिलेगा ना। एफ नॉट माइनस म्यू नॉट नहीं होगा बेटा ये, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस माइनस ये इस तरफ आएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, एक्चुअली ये, हाँ ठीक है चलेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो, एक्चुअली यू नॉट माइनस एफ नॉट है ना, मैंने उल्टा लिख लिया, यू नॉट माइनस एफ नॉट राइट। हाँ अब परफेक्ट है, देखो 1 by v naught is equals to minus of 1 by u naught plus 1 by f naught, तो ये आ रहा है बेटा minus f naught plus u naught by u naught f naught, तो इसका मतलब तो ये आना चाहिए ना, u naught f naught upon u naught minus f naught, अभी perfect है ना, अभी perfect है, कोई दिक्कत बच्चों? Any problem with this? No sir. No दिक्कत, very good. तो अब इसको उठा के इस m naught वाले formula में लिख लेते हैं, तो क्या हो जाता है, hence एम नॉट की वैल्यू क्या मिल रही है, यू नॉट से यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा माइनस ऑफ एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, है ना बेटा। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, आपको याद सिर्फ इस ऊपर वाले को रखना है, ठीक है, क्योंकि ये तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करके आप निकाल ही सकते हो, है कि नहीं? यस यस सर, गुड, ये तो आप लेंस फॉर्मूला यूज करके वैसे भी फाइंड कर सकते हो। एंड फोर आईपीस, बेटा आईपीस के लिए आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आईपीस के लिए आपने ऑलरेडी वंस अपॉन ए टाइम इन सिंपल माइक्रोस्कोप आपने इसको सॉल्व किया था, याद है आपको? यस यस सर, तो क्या आया था उसका मैग्निफिकेशन, 1 प्लस डी बाई एफ, नहीं जनरल फॉर्मूला एम ई टू डी बाय यू ई, याद है, वेरी गुड, तो ये d बाई यू ई ये आपको मिला था, है ना, बस। तो अब क्या करोगे, ऊपर वाले फॉर्मूला में ले जाके रख दो इसको, तो आपको एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो आपको याद है पहले से, है ना, लेकिन बस ये आईपीएस के लिए हम डायरेक्टली अडोप्ट कर रहे हैं कहाँ से, सिंपल माइक्रोस्कोप से, हेंस आप लिख सकते हो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m not into me, है ना, m not into me, वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, m is equals to minus of p not upon u not into d upon ue, सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखी हुई है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डालनी है, यस और नो, समझ पाए, सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ है, आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज डालनी है, ठीक है। पर वी नॉट और यूई तो सेम है ना? नहीं बेटा बिल्कुल नहीं, सो क्योंकि फर्स्ट लेंस का, अब देखो कहां से है, ये अलग है ना, तो मतलब खाली वो फर्स्ट लेंस का ऑब्जेक्ट, आप इस चीज को समझ पाए अच्छे से, इमेज सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट है पर डिस्टेंस इज सेम है, हाँ, और डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, तो अब डी इज प्लस 25 सेंटीमीटर, यस बेटा, यहाँ पर सारी चीजों का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डालना है ना, इसमें सारी चीजों का ऑलरेडी साइन हमने ले लिया है, तो सबका मैग्नीट्यूड ही डालना है आपको, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, जस्ट पुट द मैग्नीट्यूड ऑफ यू नॉट वी नॉट डी एंड यू ई इन द फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर, तो देखो आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रख रहे हो, लेकिन आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आंसर शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो आपको फाइनल इमेज दिखता है वो उल्टा दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, उल्टा, समझ गए, हेलो
बच्चों मेरी बात समझ पाए? यस सर। तो फाइनल इमेज पूरी तरह से उल्टा दिखता है आपको इन कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। चलिए कॉपी कीजिए, कहां से यहां से लिखना होगा आपको, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो जो डायग्राम है उसमें सर वो जो रे है वो मतलब अचानक से वो H1 वाला जो रे है वो अचानक से पैरेलल बन गया एंड देन वो लाइक ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, वो समझा नहीं। पैरेलल हो गया एंड रिफ्लेक्ट हो गया मतलब पैरेलल नहीं हुआ? कहाँ पैरेलल हुआ? अरे नहीं नहीं आप समझ नहीं पाए, रुको रुको, मेरा कहने का क्या मतलब है, देखो ये फर्स्ट लेंस लग रहा है ना, फर्स्ट लेंस से यहाँ पर इमेज बना है ना, और हाँ? वो इमेज कौन है बेटा? H1। कौन है वो? हाँ? H1। ठीक है, अब नाउ फॉरगेट द रेस, सारी रेस को भूल जाओ, ठीक है? ठीक है सर। अब ये समझ लो कि ये दूसरा वाला लेंस है और यहाँ पर ये H1 हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अब यहाँ से फिर से लाइट रेस जाएंगे इस तरह से, अब समझ पाए? हाँ सर। यानी कि दिस फर्स्ट इमेज इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस, क्लियर? यस सर, समझ गया। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, राइट? तो आपको अब ये फॉर्मूला याद रखना है, लास्ट वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? अब इसमें केसेस डिराइव करते हैं। हाँ पहले आप इतना नोट कर लो, है ना? तो H1 से जो रे है वो सब डिफरेंट है, राइट? यस यस। तो रियलिटी में आपको रेस तो दिखेगी नहीं, आपको तो ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना? हम तो बस रे डायग्राम के हेल्प से समझ रहे हैं कहाँ ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, सॉरी कहाँ इमेज बनना चाहिए। या राइट डाउन दिस फास्ट 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 फास्ट। थोड़ा सा ज़ूम आउट करके नीचे का भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I hope सबको अच्छे से समझ में आया ना। वो m is equal to v naught t by u naught u e तक ही है ना सर? हाँ बेटा यहीं तक है। So एक सेकंड ऊपर करिए ना। Yes okay. Yes sir। यदि फर्स्ट वाली लाइन जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको इग्नोर भी कर दो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मैंने फिर से लिखी हुई आ गया है ना, इसको यदि यहाँ से इरेज भी कर दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो पहले फॉर ऑब्जेक्टिव ये आ गया, फिर फॉर आईपीस ये आ गया, हेंस मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हमें मिल गया, ठीक है? ओवर दोस्तों। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। बच्चा लोगों किसी का बाकी तो नहीं रहा? नहीं बड़ी यस कंटिन्यू। ओके सो ये सब कंप्लीट हो गया, अभी मैं फिर से इसको बड़ा कर लेता हूँ। या फाइन नेक्स्ट मैग्निफिकेशन हो गया हमारा, अब केस वन इसमें फर्स्ट केस ले लेते हैं, ठीक है? या अच्छा एक और चीज है, ये सब तो ठीक है, इसके साथ साथ अपन ट्यूब लेंथ भी ले लेते हैं ना, एंड एक मिनट बच्चों ना, एंड ट्यूब लेंथ, बेटा ट्यूब की लेंथ को कैसे फाइंड करोगे? ट्यूब लेंथ का जनरल फॉर्मूला है ना,
बताएगा ट्यूब लेंथ क्या होता है? ट्यूब लेंथ का मतलब एक, देखो आपने कभी सिंपल माइक्रोस्कोप देखा होगा तो कुछ इस तरह का दिखता है वो। वेरी गुड, इस टाइप का है ना। यहाँ पर तो होती है आपकी आई और यहाँ पर एक स्लाइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं हम लोग जनरली, है ना, इस टाइप से कुछ। तो बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि वी नॉट प्लस यू ई, है ना। कैसे? डायग्राम में देखो, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव हो गया और ये वाला आईपीस हो गया, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ट्यूब लेंथ, एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आ जाइए, लिखते हैं सर यहाँ आपने पर ट्यूब ट्यूब लेंस लेंथ। बोला ना शायद, क्या बेटा? वो किसका एग्जांपल आपने अभी बोला था? एग्जाम्पल नहीं बोला बेटा मैंने, मैंने सिर्फ नहीं ये मतलब बोला। डायग्राम ड्रॉ करके बोला। ओके, ट्यूब लेंथ, ठीक है, ये ट्यूब लेंथ, इट इज जस्ट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। तो देखो कौन कौन है यहाँ पर, वी नॉट और यू ई, दोनों को ऐड कर लो तो एल मिल जाएगा, है ना। लेकिन बेटा इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है, हाँ सर, गुड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्यूब लेंथ, और ट्यूब लेंथ को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्यूब लेंथ इट इज, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना आप, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, बेटा ये इंपॉर्टेंट है ना, तो सर बेटा यू ये, नॉट प्लस वी ई होगा ना ट्यूब लेंथ? हाँ बेटा, वी नॉट प्लस यूई, नहीं यू नॉट प्लस वी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट से आई पीस तक ना। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, बेटा दोनों अच्छा लेंसेज के बीच अच्छा की डिस्टेंस है ना, अच्छा अच्छा ठीक है सर, लेंसेज आईपीस। तो आप बोल सकते हो कि एल इज इक्वल्स टू वी नॉट का मैग्नीट्यूड प्लस यू ई का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको यहाँ पर इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड लगना है क्योंकि आपको लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर? यानी कि एक तो ये हो गया और एक ये बड़ा वाला हो गया, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस एल है, तो यहाँ से यहाँ तक था वी नॉट और यहाँ से यहाँ तक था यू ई, तो बस इन दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत? बच्चे लोगों को कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब ले लेते हैं वो दो केस, इमेज कहाँ बन रहा है वो वाले। केस नंबर वन, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट। ठीक है, यदि इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है तो नियर पॉइंट यानी कि डी पर बन रहा है ना। उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन एम डी क्या लिखेंगे बेटा, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट वन प्लस डी बाय एफ था, याद है? तो यहाँ पर डी बाय एफ ही लिख दिया हमने। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप में डी बाय यू की वैल्यू क्या थी, वन प्लस डी बाय एफ ही था ना, तो वही उठा के रख दिया यहाँ पर। एंड ट्यूब लेंथ की वैल्यू है वी नॉट, है ना। अब वी नॉट कैसे फाइंड करोगे बच्चों, वन बाय वी नॉट माइनस वन बाय सॉरी वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल्स टू वन बाय एफ, यानी कि लेंस फॉर्मूला से। यस और नो? यस दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर रखा है, देखो ये वी नॉट की वैल्यू यू एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, है ना। यहाँ पर आप लिख लोगे वी नॉट प्लस यू ई, और यहाँ पर आप लिखोगे वी नॉट प्लस यू ई, वैल्यू रखोगे यहाँ पर, तो आपको मिलेगा यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट, ये तो आपका गया वी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, यू ई, यू ई की जगह आपको क्या रखोगे, यू ई की जगह क्या रखोगे बेटा, एनीबडी? हेलो, अरे बेटा सर एफ ई वी डी, माइनस वी नॉट। एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, हाउ हाउ बेटा, इन वन फॉर्मूला बाय हाँ वन बाय डी माइनस वन बाय यू इज इक्वल्स टू वन बाय एफ, है ना। सर डी कौन सा पॉइंट है?
डी इज द नियर पॉइंट बेटा, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, ऐसा बोला ना क्वेश्चन में, बोला था ना? हाँ सर. इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट मतलब VE की वैल्यू D. आई मीन टू एक बार आप डायग्राम में बता सकते कौन सा? हाँ जी बेटा, बेटा यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर जो आपके सामने लिखा है ना, इसको आप इस तरह से लिखो, VE is equals to D, ठीक है? डायग्राम में दिखाता हूँ. VE मतलब जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है, ये इस आईपी से इस फाइनल इमेज की डिस्टेंस इज VE, ठीक है? Yes, sir. तो इसकी वैल्यू ये D के बराबर है. इमेज फ्रॉम दैट नियर पॉइंट, तो पूरा बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप से ही उठा लिया मैंने इस चीज को, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? हेलो, यस सर. या तो इन वैल्यूज को यहाँ पर रखो कि बेटा, तो आपको कितनी यूई की वैल्यू क्या, यूई की वैल्यू क्या मिल रही है बेटा? ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, बिल्कुल सही, ठीक है? दैट्स ऑल. तो ये चीजें यहाँ पर रख ली, जैसे ये यहाँ पर रखोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? V is equal to D ना? हाँ हाँ बेटा बोलो. नो बोलो सर. नो प्रॉब्लम. ओके बेटा, ऑल थिंग्स आर प्लेस विद प्रॉपर साइन, या फिर समझ में आ रही है आपको मेरी बात? समझ आ रही है? यस. ऑल थिंग्स आर प्लेस विद प्रॉपर साइन. सर एक सेकंड करिए. यस सर. मुझे लगता है कि आपको ना ये फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहिए, आपको बस ये याद रखना चाहिए कि इमेज बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर वैल्यूज रख लो, ठीक है? ओके बच्चों, आपको बस यू नो वी नॉट प्लस यू, यही फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि मैं भी वही याद रखता हूँ, इतना बड़ा याद नहीं होता ना नीचे वाला, ठीक है? बात समझ पाए? अच्छा लोगों समझ गए? यस सर. गुड, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? या ये सारी चीजें तो हो गई. अब सेकंड केस, केस नंबर टू, इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट. बेटा आपको रे डायग्राम याद है ना और लेंस फॉर्मूलाज याद है, तो आप इस पूरे को आराम से कर सकते हो, है ना? तो प्रायोरिटी तो ये है कि आप फॉर्मूलाज याद रखो, दूसरे और साथ में रे डायग्राम भी याद रखो, ताकि कोई चीज बाय चांस आप भूल गए ना, तो वो चीज आप आसानी से कर पाओगे ना. इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है ना? तो ऐसे में यूई की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ ई के बराबर, है ना? ऐसे में यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर आ जाती है, ठीक है? सर वो आपने क्या लिखा है, इमेज फॉर्म्स एट फॉर्म्स, इमेज फॉर्म्स एट वी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी कि यस फार पॉइंट लिख लो, ठीक है? यस यस. इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट, फार पॉइंट, सॉरी ये डबल रिपीट हो गया था ना, फार पॉइंट लिख लो, वी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. अभी ठीक है, क्लियर? तो m इंफिनिटी की वैल्यू, m इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी अब बेटा? तो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इज ओके, उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना? लेकिन जो लास्ट में फॉर्मूला था वो क्या था? डी बाय एफ ही आ जाएगा यहाँ पर, है ना? क्लियर? पहले आया था वन प्लस डी बाय एफ ही, अभी सिर्फ डी बाय एफ ही आ जाएगा. ओके यस सर. या तो ये हमें मिल गया फाइनल फॉर्मूला.
अब आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो बेटा, नेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं लेंथ, ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या है बेटा, ऐसे में ट्यूब लेंथ होती थी वी नॉट प्लस यू ई। अब क्या हो जाएगी, यू ई इज इक्वल्स टू एफ ई है ना, तो वी नॉट प्लस एफ ई। क्लियर? यस सर, क्लियर। और वी नॉट की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की थी ऊपर, तो वही सेम चीज लिखनी है, यू नॉट एफ नॉट अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट प्लस एफ ई। दैट्स ऑल फाइनल फॉर्मूला। ठीक है सर, यूई इज इक्वल टू एफ ई समझा नहीं बेटा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हाँ उसमें v हाँ? को इंफिनिटी रख के देखो तो u इज इक्वल टू f नहीं आएगा। हाँ सर आएगा ना, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, v को तो डाल दिया इंफिनिटी और u को डाल दिया माइनस u नॉट, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यू नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पर ई के लिए है ना, तो हाँ यू ई और ये एफ ई, तो यू इज इक्वल टू एफ ई आ गया ना। यस सर। या जब कभी भी इमेज इनफाइनाइट पर बनता है इसका मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है। ठीक है, या दैट्स ऑल, ये क्लियर है। तो हमने ये सारे केसेस भी कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। गुड बेटा, एक ट्यूब लेंथ की फॉर्म में भी हम एक जैसे कि आपको क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ दे रखी है तो उसके फॉर्म में सर एक सेकंड के बस ऊपर करेंगे सर। या बच्चों आवाज सुनाई दे रही है? जी ओके। तो बेटा कभी कभी क्या होता है कि आपको ना ट्यूब लेंथ गिवन होती है, ट्यूब लेंथ गिवन होती है और बाकी चीजें गिवन नहीं होती, मतलब आपको फोकल लेंथ दे रखी है और ट्यूब लेंथ दे रखी है। तो ऐसे में आपको बोल दिया जाता है कि आपको फाइंड करना है क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ऐसे में आप क्या करोगे, तो ऐसे में बेटा आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ट्यूब लेंथ की फॉर्म में एक फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये वी नॉट बाय एफ नॉट और ये सब कुछ किया था है ना, तो बेटा ये वी नॉट आपको पता है तो हम क्या करेंगे, इस चीज को रिलेट करेंगे यूजिंग लेंथ फॉर्मूला एंड ट्यूब लेंथ। तो बेटा यहाँ से ये सारी चीजें यूज करके और हम लोग ट्यूब लेंथ की फॉर्म में एक फॉर्मूला डेराइव करते हैं। बेटा हम लोग उसको डिराइव नहीं करके डायरेक्टली याद रखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो मैग्निफिकेशन एम डी इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, उस कंडीशन में ये आ जाएगा माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट, माइनस ऑफ एल बाय एफ नॉट वन प्लस डी बाय एफ डी। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मूला और भी ज्यादा ईजी है और इस फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछने के चांस ज्यादा रहते हैं ना, तो बेटर है कि ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो। सर एक सेकंड केस टू का दिखा दीजिए। हाँ बेटा जस्ट अ मिनट, में आपको पूरा नोट करने के लिए टाइम दूंगा है ना। या बेटा फर्स्ट केस सबने नोट किया, फर्स्ट केस नोटेड ऑल ऑफ यू? यस सर। गुड, नाउ सेकंड केस, दिस इज द सेकंड केस, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से।
ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप फॉर्मूलाज याद रखो, क्योंकि डेरिवेशंस में टाइम वेस्ट होता है, लेकिन रे डायग्राम आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। ठीक है। अब बेटा एल की टर्म्स में मैं आपको मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन ये है बेटा कि वो फॉर्मूला आपको याद रखना डिफिकल्ट है, बट इस तरीके से जैसे मैंने आपको केस टू में समझाया था उससे आपको फाइंड करना आसान रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही केस में देखो अलग अलग आ रही है ना ट्यूब लेंथ, तो आपको ऐसे सेपरेटली याद रखना पड़ेगा। या सेकंड केस नोटेड ऑल ऑफ यू। सर एक डाउट है सर, केस वन में आपने माइनस डी और माइनस यू ई क्यू लिया? केस वन में माइनस डी और माइनस यू ई क्यू लिया बेटा, ये ना वर्चुअल इमेज बनता है ना। हेलो हाँ सर, तो अब जो वर्चुअल इमेज बनेगा वो उसी तरफ बनेगा जिधर ऑब्जेक्ट रखा है। डू यू एग्री? यस सर। ये लेंथ था, यहाँ पर ये था यू ई, और जिधर ये था उसी तरफ इसका इमेज बन रहा था वी ई, याद है? वो उल्टा था, नीचे की तरफ था, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नहीं सर वो तो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट बन रहा था ना, दूसरे से तरफ बन रहा था ना वो फर्स्ट लेंस के। बेटा ये ऐसे बन रहा था कि नहीं? तो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट ये वाला है ना, ये छोटा वाला इमेज ये है, अपन सेकंड लेंस के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, समझ है। और ये VE है, ये VE है, और ये V को हमने D रखा है, तो नेगेटिव ही आएगा ना। अच्छा सर, सेकंड लेंस के रेस्पेक्ट में, या विद रेस्पेक्ट टू सेकंड लेंस, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर द सेकंड लेंस ओनली। ठीक है, यस यस। केस टू, ठीक है, आप चाहे तो इस L को चेंज कर सकते हैं, आप इसको L इंफिनिटी और L D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन मेरे ख्याल से आपको इतना ही याद रखना चाहिए L इज इक्वल टू V नॉट प्लस यू ई। ठीक है, बाकी चीजें लेंस फॉर्मूला यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। डन दोस्तों, अब ये फाइनली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ। तो बेटा जब इमेज कहाँ बनता है, नियर पॉइंट पर बनता है, तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, है ना, तब ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। कब यूज होगा ये? व्हेन इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, है ना। ये क्या है बेटा? ये मैग्निफिकेशन या मैग्निफाइंग पावर है, मैग्निफिकेशन, या इसको मैग्निफाइंग पावर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और जब इमेज यदि इनफाइनाइट पर बनेगा, तो वैसे तो मैं उसका फॉर्मूला आपको देना नहीं चाहता, आप कहो तो दे देता हूँ, या चलो याद रख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो लिख लेता हूँ। चलो एम इन्फिनिटी आ जाएगा बेटा, ये एल माइनस एफ नॉट माइनस एफ ई इंटू डी अपॉन एफ नॉट एफ ई, ये आता है इसका आंसर। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करके ही निकाल रहे हैं ना, यदि ये फॉर्मूला याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो आप प्रॉपर मेथड से इसको कर लेना। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो देखो ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूलाज हैं इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ,
इन टर्म्स ऑफ ट्यूब लेंथ, यदि क्वेश्चन में ट्यूब लेंथ दिया है और उसके हेल्प से आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए? नोट करने के बाद बोल दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर टेलीस्कोप करेंगे, ठीक है ना? ओवर, नोटेड? सर गुड। सो बच्चों एक क्वेश्चन लिखते हैं, छोटा सा प्यारा सा। सर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के भी बारे में पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है सिलेबस में, ठीक है? उसके बारे में हम पढ़ेंगे ना, वो बस आपकी बुक में थोड़ा बहुत कहीं दिया होगा तो उतना ही आपको एक बार देखना है बस, बाकी उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप has magnifying power, magnifying power मतलब magnification, ठीक है? magnifying power 30, if it is producing final image, if it is producing। अच्छा बेटा एक बात बताओ, normal adjustment का क्या मतलब होता है? normal adjustment, yes? किसी को याद है? मैंने बताया था लास्ट क्लास में नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है। शैल आई टेल यू? और आप किसी को बता रहा है बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट अभी भी लिखा हो, इसका मतलब इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है ना? जब कभी भी नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड लिखा मिले इसका मतलब है इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, ठीक है? और यदि नियर नॉर्मल एडजस्टमेंट लिखा है तो आप क्या लिखोगे? नियर पॉइंट के लिए, ठीक है ना? हाँ, तो यहां पर है फाइंड द फाइनल इमेज एट द नियर, सॉरी फाइंड द मैग्निफिकेशन, सॉरी final image at the near point of d is equals to 25 cm, ठीक है? and give fine magnification of, easy question है ये तो, बहुत easy, magnification of objective, ठीक है? Given that f is equals to 5 cm, ये given है ना? चलिए सॉल्व कीजिए इसको। आपको क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्निफाइंग पावर ऑफ 30, इफ इट इज, इफ इट इज प्रोड्यूसिंग अ फाइनल इमेज, यहाँ पर इट मिस है तो उसको लिख सकते, producing a final image at near point, यानी कि 25 centimeter distance पर, है ना? कहाँ से? Eyepiece से. To find the magnification of the objective. Objective का magnification कितना होगा? Yes, come on. Quick. फॉर्मूला याद आया? जब इमेज नियर पॉइंट पर बनता है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
माइनस एल बाई एफ नॉट बेटे, यहाँ पर L की वैल्यू नहीं गिवन है ना, यहाँ पर L की वैल्यू गिवन नहीं है सर, बट U not upon U not is equal to M not लिख सकते हैं। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है बेटा। L वाला फॉर्मूला आप तभी यूज करोगे जब क्वेश्चन में L की वैल्यू गिवन हो, यदि क्वेश्चन में L नहीं गिवन है तो फिर वो पहले वाले फॉर्मूला ही यूज करने जो मैंने आपको पहले लिखा है। Yeah. Anybody got the answer? So magnifying power मतलब कौन सा वाली? Minus V not magnifying power मतलब magnification. So M is equals to आपको याद ही है minus V not by U not. Yes. Sorry, V not by U not. The six आ रहा है sir. हाँ. ये था वन प्लस डी बाई एफ सी, किसके लिए? जब इमेज नियर पॉइंट पर बन रहा है, क्वेश्चन में वही दिया है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा जी यहाँ पर आपको एक बात तो समझ में आ गई कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो वो कितना है, माइनस 30। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ 30 लिखा हुआ है ना, यहाँ 30 लिखा हुआ है, लेकिन आप माइनस 30 लिखोगे, क्यों लिखोगे बोलो? ये इनवर्टेड होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, इस माइनस वी नॉट बाय यू नॉट, ये पूरी टर्म क्या होती है, ये एम होती है, एम नॉट मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, इसको आप डायरेक्टली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव डाल दो, 1 + 25/5 है ना। आंसर क्या आ गया, एम नॉट, ये एम डी था, ये एम नॉट है, एम नॉट कितना आ गया, 5 आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो है ना, क्योंकि हमें पता है माइनस वी नॉट बाय यू नॉट इज एम नॉट। क्या हुआ बेटा, माइनस 5 होगा ना? क्यों बेटा? हाँ सॉरी, माइनस 5, बिल्कुल माइनस 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में यदि आपको माइनस 5 नहीं दिया है तो ऐसे में आप 5 को भी टिक कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, पर माइनस 5 भी दिया है और प्लस 5 भी दिया है तो ऐसे में माइनस 5 को प्रायोरिटी दे दी है, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस क्या कर रहा है, उल्टा इमेज बनाता है ना, इसलिए नेगेटिव आएगा, और फाइनल इमेज भी उल्टा, इसलिए नेट मैग्निफिकेशन वो भी हमने नेगेटिव लिखा है, ठीक है। अच्छा लोगों क्लियर है? यस। यहाँ पे एमओ प्लस 5 आएगा ना सर, क्योंकि मतलब वी नॉट अपॉन यू नॉट हमारा एम नॉट है सर, माइनस एम नॉट माइनस 30 कट जाएगा सर। बेटा ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एम नॉट की वैल्यू माइनस ऑफ वी नॉट बाय यू नॉट होती है ना। ओके सर, आपने यहाँ पे सारा साइन भी डाल दिया था सर। यस मैंने, हाँ पूरा साइन डाल दिया था इसलिए, ठीक है हो गया। हाँ अभी क्वेश्चन ये है कि सर वाई माइनस 30, बेटा मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी, फाइनल इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा आता है। देखो रे डायग्राम देखो, फाइनल इमेज कैसा है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कम्प्लीटली उल्टा है ना, इसलिए जो नेट मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए था। वो तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ 30 लिखा है तो आपको माइनस 30 लिखना होगा, ठीक है। तो एनी हाउ मुझे लगता है कि जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, उसमें ना वो साइन सेंसिटिव नहीं होते हैं। आपको मेरे ख्याल से 5 लिखा मिलेगा ऑप्शन में, माइनस 5 कहीं नहीं लिखा मिलेगा, तो ऐसे में आपको 5 को टिक करना है, ठीक है। बट माइनस 5 लिखा है तो बेटा माइनस 5 को प्रायोरिटी देनी है ना, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से आपको करवाया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है जल्दी से करना आप लोग, इसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं लिखने में, इसलिए बहुत जोर आता है। चलिए अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, इज यूज्ड टू एनलार्ज एन ऑब्जेक्ट कैप्ड, ऑब्जेक्ट कैप्ड
बेटा तो मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट एनलार्ज करना है, ऑब्जेक्ट का इमेज एनलार्ज फॉर्म में देखना है, ठीक है, बड़ा इमेज देखना है. कैप्ट एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव. Which is a combination of three convex lenses. Three convex lenses. ये कुछ ज्यादा हो जाएगा नहीं, मतलब ठीक है मैं इसको होमवर्क के लिए दे दूंगा आपको तो बेटर रहेगा. थ्री कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, थ्री कॉन्वेक्स लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं has a focal length. मतलब फॉर ए यूनिट का टोटल बोल रहे हैं. हाँ, या मतलब उनका आपको नेट पावर फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, है ना. कॉन्टेक्ट में रखा है has focal length 2 सेंटीमीटर. ओके, मतलब each has a focal length of 2 सेंटीमीटर. नहीं नहीं बेटा, इनका नेट फोकल लेंथ आपको दे दिया, थ्री कॉन्वेक्स लेंसेज रखे हैं, ठीक है. और जो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आपको इतना कम फोकल लेंथ का कुछ मिला नहीं, तो आपने क्या कर लिया, थ्री डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ के लेंसेज रखे और उनका कॉम्बिनेशन लगा दिया. समझ में आया? तो उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आया है. सर एब्सोल्यूट वैल्यू है कि ये नेट वैल्यू? ये नेट वैल्यू है, ये तीनों का. देखो एक दो तीन, तीन लेंसेस थे और ये तीनों मिलके ऑब्जेक्टिव का काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलके ऑब्जेक्टिव का ही काम कर रहे हैं. तो इन तीनों का जो नेट मैग्निफिकेशन एफ इक्विवेलेंट मिला, उसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर गिवन है. ओके, यस सर. या इफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, convex length of focal length, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, है ना. convex length of focal length, convex lens of focal length 10 centimeter is removed from objective, यानी कि ऑब्जेक्टिव से 10 सेंटीमीटर को रिमूव कर दिया. मतलब वहां पर थ्री लेंस थे ना, थ्री में से एक को हटा दिया, अब दो लेंसेस ही बच रहे हैं, ठीक है. रिमूव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बाय विच आईपीस is to be shifted, is to be shifted to refocus image, to refocus image, ठीक है. बहुत logical question है, मतलब logical means conceptual question है, ये बोलना चाहूंगा, ठीक है. तो basically ना आपको जो भी मैंने compound microscope में formulas लिखवाए हैं, उन सारे फॉर्मूलाज को आपको यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूलाज को यूज करना है. किसको यूज करना है बेटा? लेंस फॉर्मूला को. समझ रहे हो? हेलो, यस सर. यस, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लेंस फॉर्मूलाज को ही यूज करना है बस. तो आप इसको ट्राई करेंगे एट होम, नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है. सर ये क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो आपको बोला है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसको क्या कर रहे हो आप, उसको यूज करके
और आप इमेज को देख रहे हो, ठीक है, और इमेज ना 3 सेंटीमीटर पर बनता है, ठीक है। हेलो, यस सर। मतलब सॉरी, मेरा कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि यू नॉट की वैल्यू आपको गिवन है ना। हेलो, यस सर, यस सर। देखो आप ये समझ लो, ऑब्जेक्टिव से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और उस ऑब्जेक्ट का इमेज देखा जाता है, तो आपको फोकल लेंथ तो दे ही रखी है, तो आप पोजिशन ऑफ इमेज फाइंड कर लोगे, राइट? यस सर, यस। अब क्या होगा, तो आप आईपीस से उसको फोकस कर रहे हो, यानी कि एक तरह से वो आईपीस के फोकस पर रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? मतलब वो 3 लेंस में आईपीस वाला लेंस इंक्लूडेड नहीं है। वी कैन से आईपीस वाला लेंस इंक्लूडेड नहीं है, यस बेटा, ठीक है। हेलो, यस सर, समझ गया। Yes, sir. अब क्या किया कि जो ऑब्जेक्टिव था ना, ऑब्जेक्टिव में 3 लेंसेज डाल रखे थे और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर आ रही थी, उसमें से एक लेंस को निकाल लिया और उसके फोकल लेंथ गिवन है, तो आप बचे हुए लेंसेज की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप इजीली फाइंड कर सकते हो, है ना। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, इस तरह से होता है, आप इजीली कर सकते हो, तो बचे हुए 2 लेंसेज की फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास, है ना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है, फोकल लेंथ चेंज हो गई, तो ऑब्वियसली वी नॉट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, है ना। यस सर, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बदलना पड़ेगा आईपीस एडजस्ट करके। हाँ, अभी आईपीस एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, तो आईपीस एडजस्ट करोगे आप, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकते 10/7 सेंटीमीटर, या तो आपको फिर से इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपको आईपीस को भी देखने की जरूरत नहीं, या आपको आईपीस को भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आईपीस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो देखो, सिंपल सी बात है यार, ये क्वेश्चन तो सिर्फ लेंस का है, कोई कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नहीं है, ठीक है। सुनो, ये 3 लेंसेज थे, यहाँ पर यू नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है और वो 3 सेंटीमीटर गिवन है ना, उसका विद साइन आप रखना है, मैं तो सिर्फ डायरेक्टली नोटेशन दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसका इमेज बनेगा, तो इसका इमेज कहीं बनेगा, तो उसको आप लिख लोगे कि लेट्स से इसका इमेज यहाँ बन रहा है वी नॉट पर, ठीक है। तो मैं इसको वी नॉट 1 लिख लेता हूँ, फर्स्ट केस का, इसलिए 1। अब क्या किया, एक लेंस को निकाल के फेंक दिया, अब यहाँ पर सिर्फ 2 लेंस बच रहे हैं, अभी भी क्या होगा, इसका यू नॉट तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन इसकी इमेज कहीं और बनेगी अभी, तो इसकी इमेज लेट्स से यहाँ कहीं बन रही है वी नॉट 2 पर, क्लियर। हेलो, क्या मेरी बात समझ सर, डिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो जाएगा, मतलब वो आपने ऐसे ही, मुझे नहीं पता, मैंने तो रैंडमली बस ऐसे ही बता दिया, आई डोंट नो व्हेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, आई डोंट नो, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1 दोनों का मैच, हां यस, तो आपको क्या करना है, वी नॉट 1 माइनस वी नॉट 2, कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट करना है पूछा है ना, तो ऐसा कर लोगे आप, ठीक है, गॉट इट, यस सर। तो ये तो बहुत, मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का तो क्वेश्चन ही नहीं है ये, तो लेंस का सर, लेकिन हम लोग F2 कैसे निकालेंगे? हाँ, वो आप ठीक है, बहुत इजी है। अच्छा, इनिशियली F आपको गिवन है और फिर एक F उसमें से हटा दिया, तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे, डोंट वरी, फॉर्मूला लिखोगे तो वैसे ही आ जाएगा आपको, ठीक है। यस सर, या तो ये आपको घर पे करना है, और इसके लिए ज्यादा लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके लिए हाफ पेज छोड़ सकते हैं, तो हाफ पेज में तो क्वेश्चन आया होगा, हाफ पेज और छोड़ दो, खत्म करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ठीक है, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लूं, बोलिए क्या चाहते हो? यहीं पे सॉल्व कर दो सर, यहीं पे सॉल्व कर दूं, ओके बेटा, तो आपको इनिशियल वाली कंडीशन ले लेते हैं, इनिशियली, है ना, इनिशियली बेटा, इनिशियली क्या होगा, 1/v - 1/u = 1/f, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/v0 लिख लिया -1/u0 कितना दिया था बेटा, 3 सेंटीमीटर, ये -3 डाल दिया, इज इक्वल्स टू 1/f, और वो 2 दिया था, है ना, ये 2 लिख लिया मैंने, इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है v0 इज इक्वल्स टू, इस तरफ आएगा, सॉल्व करो, सर यहाँ पे जो नया f है सर उसको बदलना पड़ेगा। हाँ बेटा, ठीक है, ये आ गया v0 इज इक्वल्स टू 6 आ गया। अब क्या किया, एक लेंस को हटा दिया, तो आप जानते हो 1/f equivalent is equals to 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 होता है ना, -1/f3,
तो अब क्या कर रहे हैं, देखो 1/f की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर ये दो लेंसेज की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1/f1 + 1/f2 को 1/f equivalent - लिख लेते हैं, है ना। और ये इसमें से एक लास्ट वाला गायब हो गया है ना, तो ये अपन प्लस 1/10 लिख देते हैं, चलेगा। अच्छा छोड़ो, इसको ऐसे ही लिख लो, 1/f1 + 1/f2 + 1/10। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? Yes, sir. Yes. अब मैंने एक लेंस हटाई दिया है, तो अब 1/f1 + 1/f2 = 1/2 - 1/10, है ना? सर एक सेकंड, 1/10 कहाँ से आया? वहां पर लिखा है ना कि 10 का रिमूव कर दिया लिखा है, राइट? ओ यस यस, समझ गया समझ गया। और बचे हुए दो का इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/2 माइनस ये, इसको सॉल्व करोगे आप, है ना? यस, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा, आई थिंक ये इसको 1/4 मिल रहा है। यस सॉरी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यस दोस्तों, 1/4 ही मिल रहा है ना। अरे एलसीएम ले लो इसका, 4/10 मिलता है, 10 आ जाएगा, 4/10। यस 4/10, 2/5, तो इसको आप बोल सकते हो कि नया 1/f equivalent - ऐसे लिख सकते हो, तो ये कितना आ जाएगा, 2/5। कोई दिक्कत? नो, बस अगेन अप्लाई द लेंस फॉर्मूला, 1/v0 - 1/1 ऊपर क्या था उसको v1 लिख लो, चलो उसको v1 लिख लो, ये v2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या लिखू, अरे ये तो सेम ही रहेगा ना, -3, फोकल लेंथ बदल गई। सॉल्व करोगे तो v2 की वैल्यू कितनी आ रही है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये -15। यस समझ पाए? यस सर। तो आपको तो बस ये बतानी कितनी डिस्टेंस से शिफ्ट किया, तो d = v2 - v1 कर लो, तो ये 15 - 6, ठीक है, 9 cm से शिफ्ट हो गया इमेज, बस ओवर। क्लियर? क्या आप इसको समझ पाए? तो बेटा ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन ही नहीं था, बेवकूफ बना दिया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नाम लिख के, है ना? क्वेश्चन तो लेंस का था। यस सर। यस, लेकिन अगला क्वेश्चन जो है, सर एक मिनट रुकिए, इट्स बेटर कि आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन तो है नहीं आपके पास, चलो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक है ना? सर एक मिनट रुकिए। हाँ बेटा, मैं इसके क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस, बेटा मॉड्यूल का ही पिक भेज दूंगा, क्वेश्चंस का, है ना? मॉड्यूल में जो इसके क्वेश्चंस है ना, इसके एक्सरसाइज या लेवल्स जो भी है वो आपको भेजूंगा, ठीक है? तो ये कोई सेपरेट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन बीच बीच में इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यदि आपके पास एचसी वर्मा है तो बेटा एचसी वर्मा ही कर लेना बेस्ट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एचसी वर्मा में गिवन है, एचसी वर्मा पार्ट 1, ओके? एचसी वर्मा पार्ट 1 में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नाम से चैप्टर है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, वही आपका होमवर्क है आज का, ठीक है? तो ये कंप्लीट हुआ, अब टेलीस्कोप स्टार्ट करेंगे। क्या मैं इसको फिनिश करूं? चलिए, राइट डाउन बेटा टेलीस्कोप। तो आप सबसे पहले हमारे सिलेबस में जो है वो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, तो आप लिख लो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है? तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप मतलब ऐसा टेलीस्कोप जो रिफ्रैक्शन के बेस पर काम करता है ना, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करता है। और इसमें मैं लिख रहा हूँ एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल बोले तो बोलो बेटा, जो एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है, वैसे देखा जाए तो बाइनोक्युलर भी एक टेलीस्कोप है ना? क्लियर? एस्ट्रोनॉमी के लिए जो यूज किया जाता है, यानी कि चांद तारे देखने के लिए, उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। करें स्टार्ट। टेलीस्कोप क्या काम आता है? Telescope is used to see the
इमेजेस ऑफ इमेज ऑफ सर इज यूज्ड टू देखो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी या यूज्ड टू ऑब्जर्व द इमेज ऑफ फार ऑब्जेक्ट फार ऑब्जेक्ट close to you. इसका मतलब समझ गए? सर फायर आप जब क्लोज टू यू मतलब फिर क्या होगा? हटाओ इसको. इमेजेस ऑफ फार ऑब्जेक्ट इतना ही लिख लो, है ना? मतलब बहुत दूर की कोई चीजें हैं और उनका आपको इमेजेस देखना है ना? समझ आ रहा है? तो बहुत दूर की चीजें तो आपके आंख पे बहुत आपके आईज पर बहुत छोटा एंगल बनाती है. ऐसी कंडीशन में आपको बहुत छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन आप क्या करते हो टेलीस्कोप को यूज करते हो तो उनका बड़ा इमेज आपको दिखाई देता है ना? क्लियर? इतना ही लिख लो बस. तो जो फार ऑब्जेक्ट से बहुत दूर होते हैं आपसे, उनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं. ठीक है? इट हैज टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज. ठीक है, इसमें भी वही होता है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपी, ऑब्जेक्टिव एंड आईपी, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है. अरेंजमेंट किस तरह से डिफरेंट होता है बेटा? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, अपर्चर ऑफ अपर्चर या फिर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ focal length of objective is larger than focal length of IP. मतलब कि ये जस्ट उल्टा अरेंजमेंट है माइक्रोस्कोप का. यस और नो बच्चों, क्लियर है? तो इसमें कौन से लेंस यूज होते हैं? कॉन्वेक्स बेटा, कॉन्वेक्स लिखा है ना मैंने, ये रहा कॉन्वेक्स. यस, ऊपर वाले पॉइंट में कॉन्वेक्स लिखा है हमने, है ना? तो बेटा एफ नॉट की वैल्यू विल बी लेस देन एफ ई, सॉरी एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ ई, है ना? ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ जो है आईपी से ज्यादा होगी, जस्ट उल्टा है ये. तो रे डायग्राम कैसा बनेगा? हम लोग एक बड़ा सा लेंस बना लेते हैं ऐसे. तो माइक्रोस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, तो डिफरेंस माइक्रोस्कोप में तो अरे फोकल लेंथ और रेडियस. डिफरेंस ये है बेटा कि एक में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा है, और उसमें कौन बड़ा था? उसमें आईपीस बड़ा था. समझ आया? यस सर. या अब बेटा देखो, इनफाइनाइट से रेज आ रही है ना, तो मैं मान लेता हूँ कि इनफाइनाइट से, देखो इसका इसका ना डेरिवेशन का तरीका यही है. ठीक है, इसको डेराइव करने का यही मेथड है जिससे आपको आसानी से समझ में आता है. तो देखो लाइट रेज आ रही है इनफाइनाइट से, तो मैं पैरेलल लाइट रेज कंसीडर करता हूँ, नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, बट वी कैन कंसीडर इट लाइक दिस, है ना? समझ रहे हो? क्लियर दोस्तों? Yes, sir. तो लाइट रेज है वो कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से आ रही है, लेकिन मैं इनको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से ले रहा हूँ. तो बेटा लाइट रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो एग्जैक्टली फोकस पर बनती है इमेज, यानी कि फोकस पर वो कन्वर्ज होती है. लेकिन लाइट रेज जब किसी एंगल पर आती है तो वो एग्जैक्टली फोकस पर नहीं होकर फोकल प्लेन में मिलती है. कहाँ मिलती है? फोकल प्लेन. फोकल प्लेन क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको. पहले तो इसको तो बिना मोड़े सीधा सीधा जाने दो. या बेटा देखो, जैसे यहाँ पर फोकस आ रहा है, बेटा यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर किया जा सकता है और उस पूरे प्लेन को हम फोकल प्लेन बोलते हैं. ठीक है, मेरी बात समझ आई? मतलब इसकी डिस्टेंस फोकस के बराबर ही होगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, यानी कि इमेज एक तरह से फोकस के बराबर डिस्टेंस पर ही बनेगा. एक
आप ये समझ लो कि सारी रेज यहाँ आकर मिल रही है, जो फर्स्ट इमेज बनने जा रहा है वो यहाँ आके बनेगा, ठीक है? क्लियर? अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर रखा है, कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पर, तो उसकी साइज तो आप मेजर कर नहीं सकते, लेकिन वो कितना एंगल बना रहा है वो तो आप कंसिडर कर सकते हो ना। मान लिया ये अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा, है ना? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चों इसको हजम कर पा रहे हो? यस और नो? डाइजेस्ट हो रहा है? सर आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं बनाया? हाँ बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लूंगा तो मेरे लिए ये सारी चीजें यूजलेस हो जाएगी, मतलब मैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को नहीं डिफाइन कर पाऊंगा, है ना? ठीक है, Yes. मतलब ये डिराइव करने का तरीका है, वैसे तो हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है, लेकिन ये डिराइव करने के लिए ये सिंपल सा मेथड है, इसको रेफरेंस लेकर हम लोग कर सकते हैं। आपको पता है इनफाइनाइट पर यदि कोई चीज रखी है तो जरूरी थोड़ी है कि रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है, है ना? Yes, sir. रेज कैसे भी आ सकती है, वो तो हम लोगों को रे डायग्राम बनाने के लिए इजी होता था ना, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते थे। ओके यस सर, अगर हम मतलब वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसके वो पॉइंट कर रहे हैं तो फिर लेंस के तो मतलब स्ट्रेट ही आना चाहिए ना। हाँ बेटा, लेकिन हम लोग इस तरह से डिराइव कर लेते हैं इसको, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है ना, वरना हम लोग उसके एंगुलर साइज को लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड टू फाइंड दैट। ओके, आई बात समझ? जी सर। या अब देखो यहाँ तक तो सब अपन सके। हाँ, नोट कर ले इसको, ऊपर वाले को पहले फिर हम नीचे चलते हैं। ठीक है बेटा, आपका जैसे ही हो जाए मुझे बोल देना। यस सर, डन डन, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर मुझे कुछ और अच्छे से बनाना है इसका डायग्राम, है ना? एक मिनट रुकना, रुकिएगा बेटा। या तो मैं स्ट्रोक इरेजर लेके इसको उड़ा देता हूँ। यस, तो बेटा जी देखो, मान लिया कि लाइट रेज आ रही है इनफाइनाइट से, तो मैं इसको थोड़ा और इस तरह से ले लेता हूँ तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। या एक लाइट रे और इसके पैरेलली आ रही है और एक लाइट रे और यहाँ से आ रही है। ये सब यहाँ मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पर बन जाएगा इमेज, ये बन गया इमेज, ठीक है? ये कौन है? ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए एफओ लिख लिया। लाइट रेज इस तरह से जा रही है, मान लिया कि ये एंगल अल्फा बना रही है विद प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर भी अल्फा एंगल बनेगा। और ये जो इमेज बना इसको आप एच लिख सकते हो, ठीक है? तो इसका भी इमेज बनेगा। हाँ बेटा, अब हम आईपीस ड्रॉ करेंगे, अब हम आईपीस ड्रॉ करेंगे, ठीक है? सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द आईपीस हियर। तो आईपीस तो छोटा सा होता है, ठीक है? आईपीस छोटा सा होता है, मतलब उसकी फोकल लेंथ जो होगी वो कम होगी, उसका अपर्चर जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है? वो यहाँ पर ड्रॉ इस तरह से। ओके, अब क्या होगा? यहाँ से फिर से लाइट रे कंसीडर करेंगे, और ये बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप वाला ही कॉन्सेप्ट फिर से आ गया, ठीक है? यहाँ पर मिल गई है दोनों, तो हम लोग बोल देंगे कि इसका जो इमेज है तो यहाँ पर बन गया, ये फाइनल इमेज बन गया, ठीक है? इसको फाइनल इमेज को मैं एच डैश बोल देता हूँ, एच डैश। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बेटा जी
देखो जो फर्स्ट इमेज बना ना, जिसकी साइज को हम लोगों ने एच कंसीडर किया, एच, तो मैं ये एच हो गया। और यहाँ पर देखो ये जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है बेटा, यही लाइट रे हमने पीछे एक्सटेंड की और फाइनली इमेज के पास जा रही है, तो मैं यहाँ पर बीटा एंगल कंसीडर कर लेता हूँ। कैन आई डू दैट? पूछो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, को बीटा कंसीडर कर सकते हैं? ठीक है, चलिए अपना काम तो हो गया। एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और एंगुलर साइज ऑफ इमेज का रेशियो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं मैग्निफिकेशन। ये कौन है बेटा? ये एफ ई है, आई पी, यहाँ पर आई होती है। ठीक है, अच्छा बाकी चीजें भी लिख लेते हैं बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, इस फर्स्ट इमेज तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? एनीबडी क्या बोलेंगे? एफ नॉट, क्योंकि ये फोकस पर बनेगा, यानी कि फोकल प्लेन में बनेगा, यानी कि डिस्टेंस तो फोकस के बराबर ही रहेगी ना। जब भी इनफाइनाइट से रेज आती है तो कहाँ मिलती है? फोकस पर। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको यू ई ले लेंगे, समझ गए? और फाइनली ये जो बन रहा है, दिस इज वी ई ओवर। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? क्या आप इस चीज को समझ पाए? हाँ सर, समझा। या गुड, बना लो डायग्राम जल्दी से। अब मैं मैग्निफिकेशन लिखने वाला हूँ बेटा। मैग्निफिकेशन मीन्स एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है? वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय एंगुलर साइज ऑफ इमेज, सॉरी एंगुलर साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या आप इस चीज को समझ पाए? तो आप इसको एम इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा लिख लोगे। एक काम करते हैं, वहीं पे घुसा देते हैं ऊपर ही, है ना? एंगुलर साइज ऑफ इमेज इज जस्ट बीटा और एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज जस्ट अल्फा। ओके बच्चों, किसी को कोई भी प्रॉब्लम? बच्चों समझ आ रहा है? तो बात यह है कि आपको तो वो एंगल दिखाई नहीं देगा, आपको तो वो एंगल दिखाई नहीं देगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो बस वही हम कुछ करने वाले हैं, ठीक है? तो वो एंगल छोटा हुआ तो हम टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख के ऐसा कुछ करेंगे। बिल्कुल बेटा, या एंगल इज स्मॉल, तो ऐसे में क्या है कि बड़ा वाला लेंस जैसे आ रहा है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल अल्फा था, तो ये एंगल भी अल्फा था, और बेटा यहाँ पर आपका फर्स्ट इमेज बन रहा था, तो ये एच एच लिखा था हमने, है ना? क्या मैं एंगुलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कहाँ बन रहा था बेटा, ये एफ नॉट पर बन रहा था, बन रहा था ना? तो क्या मैं यहाँ पर अल्फा की वैल्यू को एच अपॉन एफ नॉट लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? अब वही काम हम टैन बीटा के लिए कर सकते हैं। यस, वही काम हम टैन बीटा के लिए भी करेंगे। तो टैन बीटा के लिए कैसा था? ये बीटा था, ये एच था, और फाइनली जो इमेज बन रहा था वो एच डैश था, और यहाँ से यहाँ वी ई था। तो आप बीटा के लिए लिखोगे एच डैश अपॉन वी ई, और इसी को हम लिख सकते हैं एच अपॉन यू ई, लिख सकते हैं ना? यहाँ से यहाँ यू ई था ना? यस बच्चो, यस सर। यस, तो ये एच अपॉन यू ई लिख सकते हैं। तो इसका सर मतलब हमें, एक सेकेंड, आप ऊपर जा सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा, ठीक है, सर।
तो अब मुझे क्या करना है, एच को कैंसिल करना है, यानी कि मैग्निफिकेशन बीटा बाय अल्फा क्या आ जाएगा, बोलो दोस्तों, एच अपॉन यू डिवाइड बाय एच अपॉन एफ नॉट, यू आर गेटिंग द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज एफ नॉट अपॉन यू। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा लोगो, एनी प्रॉब्लम? जनरल फॉर्मूला आ गया आपके पास? यस सर, जनरल फॉर्मूला आपके पास आ गया, जस्ट पुट स्टमक हियर। अब हम केसेस डिराइव करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा जी बोलिए सर। जैसे आपने टेलीस्कोप में एंगल ये सब कंसीडर किया, बट माइक्रोस्कोप में ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा माइक्रोस्कोप में ना देखो यहाँ पर इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, है ना, और आपको ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह का कोई आइडिया नहीं, लेकिन एंगल को आप यूज कर सकते हो, है ना? यस सर। बेटा हम वो तरीका यूज करते हैं जो हमारे लिए आसान हो, समझ रहे हो? हाँ सर। तो बस ये इसका पर्टिकुलर डेरिवेशन है जो कुछ कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया है और हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। हो सकता है और बुक्स में आपको डिफरेंट डेरिवेशन भी मिले, ठीक है? हाँ बेटा ये tan अल्फा और tan बीटा ही है, लेकिन एंगल इज स्मॉल, दैट्स व्हाई विल से इट्स अल्फा एंड बीटा ओनली, ठीक है? सर तो हमें इमेज तो ये दिखेगा ना इनवर्टेड? यस, इमेज तो इन्वर्टेड ही बनेगा, ठीक है? चलिए बेटा ये आपको मैग्निफिकेशन मिल गया। अब हम दो केस, हम लोग यहाँ पर ट्यूब लेंथ ले लेते हैं, तो ट्यूब लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ आप खुद से? यस, ट्यूब लेंथ कितनी होनी चाहिए? एफ नॉट प्लस यू। वेरी गुड, ठीक है, ट्यूब लेंथ हो जाएगी एफ नॉट प्लस यू। अरे दोनों के बीच की डिस्टेंस ही तो करना था फाइंड, दैट्स ऑल। तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, है ना, एकदम बेसिक फॉर्मूला, ये एफ नॉट प्लस यू, दैट्स ऑल। अब क्या करोगे, केसेस ले लोगे। केस नंबर वन, केस वन, इमेज फॉर्म्स एट नियर पॉइंट, एट नियर पॉइंट। यदि नियर पॉइंट पर इमेज बनता है, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या VE is equals to minus D, समझ रहे हो? जब आप इसको यूज करते हो तो UE तो बिल्कुल वैसा ही है ना जैसे पहले था, कैसे सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में था, वही वैल्यू आएगी इसकी। क्यों? क्योंकि देखो इसका ऐसा एनलार्ज इमेज कब बनेगा, जब आप फोकल लेंथ और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखोगे फॉर आई पी, है ना। तो बेसिकली आप इसको किससे फाइंड करते हो, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ, इसके लिए यूज करते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा वन बाय माइनस बी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ ई। तो यहाँ से आपको यू की वैल्यू मिल गई थी एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी, है ना, यही मिली थी ना, बस इसी को ही प्लेस करना है और कुछ नहीं। तो बेटा आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, एफ नॉट डिवाइड बाय यू ई, यू ई के लिए आप नीचे रखोगे एफ ई डी और ये ऊपर चला जाएगा एफ ई प्लस टी। यस दोस्तों, एक काम करो, डी से इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग चाहे तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे एम मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू एफ नॉट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, इज इट फाइन? हेलो, क्या आप इसको समझ पाए? हो गया सर, 1 प्लस d / f की जगह f e / d आ गया है। नोट अप, हां इसका उल्टा हो गया, माइक्रोस्कोप वाले का उल्टा हो गया है ना। या समझ आया सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बेटा ये खत्म करने वाले हैं हम लोग, है ना, खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे में ट्यूब लेंथ क्या लिखोगे, ट्यूब लेंथ एल इज इक्वल्स टू, या अब इसको लिखोगे एफ नॉट प्लस यू ई, यू ई की वैल्यू यही वाली उठा के डाल दो एफ ई डी अपॉन एफ ई प्लस डी। क्लियर आंसर? तो ये तो आ गया आपका ट्यूब लेंथ, ये आ गया मैग्निफिकेशन, ठीक है।
जब नियर पॉइंट पर बनता है तब, ठीक है। और ये क्या है, यह है ट्यूब लेंथ। लास्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद खत्म क्लास, ठीक है। नाउ केस टू है इमेज फॉर्म्स एट फार पॉइंट, एट फार पॉइंट। फार पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंफिनिटी, है ना। v को इंफिनिटी डालोगे, इसका मतलब u इज इक्वल्स टू fe, राइट। u इज इक्वल्स टू fe आ गया, तो आप क्या करोगे, f नॉट अपॉन fe। बोलो दोस्तों, m इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू f नॉट अपॉन fe ओवर, यस, f नॉट अपॉन u था ना, तो f नॉट अपॉन fe आ गया, आया आया या। हम इसको प्रॉपरली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। f नॉट अपॉन यू ई पहले डाल दो और फिर इसको आगे ले जाके m इनफिनिटी इक्वल्स टू f नॉट अपॉन f ई लिख दो, ठीक है। या तो ये आपको मिल गया। अब हम एक कर सकते हैं बेटा, ये इमेज इन्वर्टेड बनता है, समझ रहे हो ना, इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। माइनस साइन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी सर। आ रही बात समझ, मतलब यू ई की वैल्यू जो होती है वो माइनस एफ ई के बराबर, ये कहने का मतलब ये है ना, यू ई इज इक्वल्स टू माइनस एफ ई, यदि प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ करें तो। तो कहने का मतलब ये है कि उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड। ओके, एल कितना आएगा, F not plus FE, answer, ये tube length आ गई। किसी को कोई problem? हाँ जी बच्चों, any problem to anyone? Okay बच्चों, so that's all for today. अब एक इसकी एक दो छोटे से formula बचे हैं, resolving power और ये सब, और एक कुछ छोटा मोटा चीज और है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे, तो बच्चों अच्छे से रे ऑप्टिक सॉल्व करके आना, आपके डाउट्स डिस्कस करने और हल्का सा एक फिनिशिंग टच देना इसको, मतलब आधे घंटे का चैप्टर और बाकी वो कर लेंगे, ठीक है। सो बाय बाय डियर फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस ऑल। एक बार थोड़ा स्कूल का नहीं क्या, ट्यूब लेंथ के ऊपर, हां ट्यूब लेंथ का फार्मूला क्या था बेटा, f नॉट प्लस ue, है ना सर, उसके ऊपर वो पार्ट मुझे कॉपी करना। अच्छा यहां से सर थोड़ा स्क्रू मैग्निफिकेशन का पार्ट। ओके सर, नहीं सर वो जनरल मैन, यस दैट्स इट। ओके बाकी सब कंप्लीट, ठीक है बच्चों। So that's all for today. See you in the next class. थोड़ा सा finishing touch देना है, दे देंगे, है ना? Bye bye. और सभी लोग, हाँ, सभी लोग module solve करके आना। बेटा क्या बोल रहे हो? और ना? Sir, case को आपको दिखा सकते हो? हाँ जी बिल्कुल। Sir, आप अगले class में नया chapter start करोगे क्या? नहीं बेटा, doubt discuss करेंगे, है ना? Next chapter कौन सा होगा? नहीं पता। नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाइम टेबल में लिखा हुआ आएगा, है ना, मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। मुझे लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका 11th क्लास का सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए? नहीं सर। एसएचएम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड ऑल नहीं ना? नहीं बेटा, पहले वो कंप्लीट करेंगे, बाद में हम लोग आगे जाएंगे ना।
नहीं सर, जैसे ये तो क्लास 12th का चैप्टर था ना, तो हाँ फिर हाँ जैसे हमारा पैरेलल क्लास चल रहा है फिजिक्स में, तो मुझे मुझे लगा कि वो अभी नहीं जैसे नहीं नहीं हमारा। अच्छा हाँ पैरेलल क्लास चल रहा है, लेकिन 12th क्लास का सिलेबस मुझे लगता है आपका आफ्टर फेब्रुअरी यानी कि मार्च या अप्रैल से, यानी तभी स्टार्ट होगा, मार्च या अप्रैल में, अच्छा सर, ठीक है ना। यस सर। उससे पहले हो सकता है यदि 11th क्लास का सिलेबस आपका पूरा खत्म हो जाए तो, ठीक है चलते हैं, बाय सर। बाय बाय।